कॉमन आयन इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशंस। देखिए हम कर रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। सपोज कीजिए आपके पास ए और बी कोई भी रिएक्टेंट है, अगर आपने उसे हीट दिया, उस कुछ भी किया कि वो ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में स्प्लिट हो गया और इसमें एक आयनिक इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब जितनी ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है उतनी ही ये रिएक्शन बैकवर्ड हो रही है। लेकिन आपने क्या किया कि ये तो एक आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये एक आयनिक इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन आपने क्या किया, आपने ना आयंस, कुछ ऐसे आयंस, कॉमन आयंस, जैसे कि कोई एसिडिक आयन, एसिड या बेस, उसमें ऐड कर दिया कॉमन आयन, जिसमें सॉल्ट कंटेन कॉमन आयंस है वो ऐड कर दिए, तो जो इक्विलिब्रियम है ना वो शिफ्ट हो जाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसे ही कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आपको एक एग्जांपल से क्लियर होगा, जैसे कि है एसिटिक एसिड CH3COOH। अब क्या किया कि CH3COOH जो कि एक वीक एसिड है, अब इसमें जब आयनाइजेशन होगी तो ये स्मॉल एक्सटेंड होता है, यानी कि जब ये टूटता है तो पूरी तरह से नहीं टूटता क्योंकि एक वीक एसिड है, तो जब ये टूटता है तो CH3COOH और H पॉजिटिव आयंस में ये टूट जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि इस सॉल्यूशन में आपने क्या किया है, कोई वीक एसिड में कुछ ड्रॉप डाल दी स्ट्रॉन्ग बेस की, ये जो सॉल्यूशन है उसमें आपने स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दिया CH3COOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, आपने इसमें ऐड कर दिया इसी में ही। जब आपने इसे ऐड किया तो ये जब ये किस चीज में टूटेगा, CH3COOH Na पॉजिटिव में। अब यहां पे क्या हुआ है, ये फिर से टूट गया। अब इन दोनों इक्वेशंस में क्या हुआ, जब दोनों इक्वेशंस में CH3COOH आयंस निकल रहे हैं, यानी सॉल्यूशन में CH3COOH आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि जो इक्विलिब्रियम है चैटरलीज़ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जो इक्विलिब्रियम है ना बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये जो है, जो हमारे पास डिसोसिएशन हुई है एसिटिक एसिड की, वो ना सप्रेस हो जाती है, ठीक है ना, वो क्या हो जाती है, सप्रेस हो जाती है। अब इसमें डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अब ऐड करने से ये जो है ना एसिटिक एसिड, ये सप्रेस हो गया, इसने क्या किया है, जो डिसोसिएशन है एसिटिक एसिड की वो सप्रेस कर दी, यानी कि कम कर दी, यानी कि वो अब बहुत कम और ज्यादा कम डिसोसिएट होगा, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में वो शिफ्ट हो जाता है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं NH4OH का। NH4OH जो कि एक वीक बेस है, जब ये स्प्लिट होगा तो OH नेगेटिव आयंस और NH4 पॉजिटिव आयंस में टूटेगा। लेकिन सुपोज कीजिए कि आपने इस वीक एसिड में NH4Cl ऐड कर दिया। अब आपने जब इसमें NH4Cl ऐड किया तो NH4Cl Cl नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव आयंस में टूट गया, यानी कि सॉल्यूशन में NH4 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई, यानी इसके ज्यादा होने की वजह से जो NH4OH है ना ये सप्रेस हो गया, ठीक है। और जो ये जो रिएक्शन होती हैं, ये जो रिएक्शंस रिप्रेजेंट करती हैं कि जब हम कोई भी दूसरा सब्सटेंस डालते हैं वो पहले वाले को सप्रेस कर देता है, यानी कि जब NH4Cl डाला तो उसने NH4OH को सप्रेस कर दिया। ऐसे ही AgCl, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट गया, लेकिन आपने उसमें NaCl डाल दिया तो क्या हुआ, Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से AgCl क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए जो एप्लीकेशन है कॉमन आयन इफेक्ट की, सबसे पहले होता है जो सोल्यूबिलिटी होती है सॉल्ट की, स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट की, वो कितनी होगी, स्प्रिंगली सोल्यूबल यानी कि जो कम सोल्यूबल हो रहा है, जैसे कि AgCl, BaSO4, इनकी क्या कैलकुलेशन होगी, क्या सोल्यूबिलिटी होगी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सोल्यूबिलिटी बताता है स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट की, जो कि बहुत ईजी होती है। एग्जाम्पल, आपके पास कोई सॉल्ट है जैसे कि AgCl या BaSO4, कोई भी सॉल्ट है। अब इसमें हमने इसे अज्यूम कर लिया है कि आपके पास ए और बी सॉल्ट है जो कि टूट गया ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव आयंस में। अब इसमें ए बी क्या है, एस है,
ए पॉजिटिव भी एस है और बी नेगेटिव भी एस है, तो इसका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा? इसका जो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट होगा, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, के एस पी इज इक्वल टू ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ये हमने किया था ना, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट हमने निकाला था अपने लास्ट टॉपिक में, जहां हमने सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का टॉपिक किया था, तो हमने इसका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकाल लिया था, यानी कि ए पॉजिटिव इंटू बी नेगेटिव यानी एस इंटू एस यानी कि एस स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट करता है इसका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। अब अगर कोई सॉल्ट इस टाइप का है, ए बी टू टाइप का है, यानी कि तो इसमें क्या होगा, ए टू पॉजिटिव, ठीक है ना, बी टू है, ए टू पॉजिटिव होंगे और टू बी नेगेटिव होंगे, तो ये भी एस 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 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये है हमारे पास एस, ये है एस, लेकिन ये टू बी है तो टू एस, तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, ए जो होगा टू पॉजिटिव था ना हमारे पास, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ठीक है, लेकिन टू नेगेटिव है, टू है ना ये जो, ये इसकी पावर में चला जाएगा, स्क्वायर में चला जाएगा, इज इक्वल टू के एस पी यानी एस इन टू टू एस स्क्वायर, ये टू एस है, टू एस स्क्वायर हो जाएगा यानी कि फोर एस स्क्वायर। तो इस तरह से जो कैलकुलेशन है सोल्यूबिलिटी और जो स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट की है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रिडिक्ट करता है कि जो आयन प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं वो कैसे होती हैं। देखिए अगर कोई इसी रिएक्शन में आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो प्रोड्यूस होता है, जो आयन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी जो कंसेंट्रेशन है आयन्स की अगर सॉल्यूशन में बढ़ जाए तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है ना, जो स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के, वो जो रिएक्शन होती है तो आयन्स के बढ़ने से वो एक्सेस आयन के होने से वो कंबाइन होगा और जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन को फॉर्म करेगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है प्रिडिक्टिंग आयन प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस को। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है, ये बताता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होते हैं, अलग अलग तरह पे बेस्ड होती हैं। सबसे पहले बताएगा ये सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट प्रिंसिपल को, यानी कि जो प्रेसिपिटेशन बनती हैं अगर आयन ज्यादा होते हैं सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट में, आयन ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट में तब प्रेसिपिटेशन बनती है, एक तो ये बताता है उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करता है, और दूसरा बताता है ये कॉमन आयन इफेक्ट को। कॉमन आयन इफेक्ट जो कि हम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने क्या पहले भी कराया था कि H2S जो 2H पॉजिटिव और H2 नेगेटिव में टूटेगा, लेकिन अगर आपने इसमें कुछ भी यानी थोड़ा एसिड डाल दिया तो HCl जो है इसमें अगर आप HCl डालोगे तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, जिसकी वजह से सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वो H2S को सप्रेस कर देगी, तो ये कॉमन आयन इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है सॉर्टिंग आउट प्रेसिपिटेशन ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट। देखिए जैसे कि हमारे पास NaCl है, हम जानते हैं कि NaCl जब टूटेगा तो N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में स्प्लिट होगा, लेकिन अगर इसमें से HCl गैस को पास कर दिया जाए तो वो भी तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाएगी, जिसकी वजह से Cl नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन, पहले तो Cl नेगेटिव आयन जनरेट हो ही रहे थे, HCl ने HCl जो गैस हमने पास की इसमें से, तो Cl नेगेटिव और ज्यादा जनरेट हो गए, तो Cl नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो गई, यानी कि आयनिक प्रोडक्ट जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से सॉलिड सॉल्ट जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।